नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत पंडित तत्काल टाइम न्यूज में आपका स्वागत करता हूं और हम निकल पड़े हैं भगोरिया यात्रा। जी हैं, आज है गुरुवार 21 मार्च का दिन और हमारी यात्रा चल पड़ी है सोंडवा अलीराजपुर जिले की ओर, जहां आज हम लुत्फ लेंगे भगोरिया मेले का। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि इंदौर प्रेस क्लब के पत्रकारों का दल आज भगोरिया यात्रा पर है और मेरे साथ मौजूद है इस कार में श्री देवेंद्र मालवी, जो कि संपादक सद्भावना पार्टी के, स्टार एंकर पूनम शर्मा, विजय पटेल और हमारे साथ मौजूद है इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार एवं बहुत से पत्रकार साथी जो कि दिन रात एक साथ इंदौर में हमारे साथ काम करते हैं, लेकिन आज भगोरिया यात्रा 2024 में हमारे साथ रहेंगे दिन भर। आज सुबह से निर्धारित समय सुबह 6 बजे से पत्रकार साथी इंदौर प्रेस क्लब के प्रांगण में आना शुरू हो गए और चाय नाश्ता करने के बाद हमारी पूरी टीम निकल पड़ी सोनवा अलीराजपुर जिले के लिए। बीच में भाई पत्रकार साथी छोटे भाई शास्त्री के सानिध्य में नाश्ता पानी हुआ और यह यात्रा अब बढ़ रही है सीधी सीधे भगोरिया मेला की ओर। भगोरे उत्सव शुरू हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए पर इसका खुमार लोगों पर बढ़ चढ़ कर दिख रहा है। युवक युवतियां अपनी पारंपरिक वेशभूषा में जहां भगोरे का लुत्फ उठाने आते हैं, वहीं आदिवासियों की रंग बिरंगी वेशभूषा देखकर जो पर्यटक आते हैं वो भी झूम उठते हैं। और मेले तो मेले होते हैं, आपको मालूम है, मेलों में झूले होते हैं, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये सब चीज़ हमको देखने को मिली और यही चीज़ हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो देखिए, अब हम मेले तक आ पहुँचे हैं, मेले के दृश्य आपको रोमांचित कर देंगे। और प्रतिवर्षानुसार इंदौर प्रेस क्लब की टीम इस बार भी बड़ी संख्या में साथियों के साथ पधारी है, जिसमें फोटोग्राफर, वरिष्ठ पत्रकार और परिवारजन हैं जिन्होंने इस आदिवासी लोक उत्सव का भरपूर आनंद उठाया है। हम और हमारे पूरे साथीगण इन मेलों में घूमे और खूब आनंद उठाया, फोटो भी खींचे गए। और जो लोक जीवन की दिनचर्या होती है, आदिवासियों के जो व्यवहार होते हैं, लोग व्यवहार होते हैं, उनको बारीकी से हमने देखा। और अब वापसी की घड़ी आ गई तो वापसी में हम उन सुनहरी यादों के साथ वापस इंदौर की ओर बढ़ रहे हैं और भगोरिया का यह साल भी हमारे लिए यादगार रहा। हमने उन जीवन के वास्तविक रंगों को देखा, प्रकृति को देखा और हरियाली को देखा जो कहीं ना कहीं हम शहर के आबोहवा में पीछे छोड़ आते हैं। उम्मीद है कि अगले साल फिर हम किसी अच्छी यात्रा पर जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।